रेडमी नोट 10 प्रो और प्रो मैक्स के लिए, जैसे कि अभी कोल्ट ओएस का न्यू अपडेट आया हुआ है, सेकेंड अपडेट है, फर्स्ट वाला 13.1 का जो आया था कंप्लीट रिव्यू कर रखा हूँ, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी चेंजेस हुए उसके बारे में स्पीड में बताऊंगा, क्योंकि हालांकि चेंज भी इस अपडेट में उसे काफ़ी हुए हैं। लाइका कैमरा भी ऐड किया गया MIUI का, पहले नॉर्मल MIUI था लेकिन अभी लाइका वाला ऐड हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हो, देखते कितने चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अबाउट फोन के अंदर एंड्रॉइड वर्जन में जाते हैं। कोल्ट ओएस का ही जैसे कि 13.2 का ऑफिशियल एंड्रॉइड 13 बिल्ड है, एंड्रॉइड वर्जन ये नीचे 13 मिल जाएगा। सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ है, 5 मई 2023 का मिलेगा। कर्नल भी यहाँ पे चेंज हुआ, वेंटम वाला कर्नल मिलता, पहले जो है अगिस्ना का R11 देखने को मिलता था। बाकी सिलिनक्स आपका वही पहले की तरह इन्फोर्सिंग ये देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर तो हालांकि कहीं पे मुझे कोई चेंज नहीं मिला है, हॉटस्पॉट आपका पूरा वही सेम ही रहेगा। एंड बाहर भी आपका कनेक्टेड डिवाइसेस भी सेम ही है, कास्ट बिल्कुल काम कर रहा है, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। एंड कॉल्ड इनिग्मा जो दिया गया है इसके अंदर में यहाँ पे स्टेटस बार में थोड़ा चेंज हुआ है। क्लॉक एंड डेट के अंदर जाओगे तो पहले कोई भी क्लॉक बैकग्राउंड नहीं मिलता था, अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शन बैकग्राउंड के क्लॉक के मिल जाते हैं। आउटलाइन वाला है, ग्रेडियंट कलर वाला हो, या अलग अलग शेप के 2-3 शेप के भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके के टाइप के भी यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाते हैं। मेन बेसिकली क्लॉक बैकग्राउंड आपको यहाँ पे पूरा न्यू मिलेगा। ट्रैफिक इंडिकेटर सेम है, बैटरी स्टाइल जो पहले मिला करती थी वही रहेगी, सेम ही है, यहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये आपका पूरा सेम रहेगा। बट ऊपर जो हेडर है यहाँ पे जैसे देखोगे सभी सेटिंग में हेडर जो है ये थोड़ा चेंज जरूर हुआ, पहले कम था लेकिन अभी आप देखो ज़्यादा और काफ़ी बड़े जो है टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। तो ये देखो ऊपर थोड़ा हेडर चेंज हुआ है। एंड सेटिंग्स ये सब जो है आपको दिए गए जो स्टेटस बार लोगो हो गया सब पूरा सेम है। एंड क्विक सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर जो है आपको QoS स्टाइल सेम है, बट यहाँ पर जो हेडर इमेज है ये आपको यहाँ पे लेटेस्ट मिल जाता है। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारे हेडर इमेज मिलते हैं, अभी तक ज़्यादातर 25-28 इस तरीके से दूसरे रूम में देखा था, किसी में 11, लेकिन यहाँ पे 74 हमें हेडर इमेज देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी सारे हेडर इमेज हैं, साथ साथ ब्राइटनेस स्लाइडर स्टाइल भी न्यू मिलने वाला है। डिफ़ॉल्ट आपको कुछ इस तरीके का मिलता है, यहाँ पर फील्ड वाला मिल जाएगा, तो फील्ड में यहाँ पर दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। एंड सेकेंड में रहता है थिन का, थिन जो कि बिल्कुल एकदम पतला हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके का। एंड थर्ड में मिल जाता है यहाँ पे बैंग वाला, बैंग जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, अलग शेप का बिल्कुल यहाँ पे ब्राइटनेस लेडर आपका मिल जाएगा, तो यहाँ से आप चाहो तो चेंज कर पाओगे। बाकी फिर नीचे कहीं कोई चेंज नहीं है। एंड यहाँ पे अगर हम बटन में जाते हैं तो बटन में कोई चेंज नहीं है, नेविगेशन बार पूरा हमारा सेम रहने वाला है। इसके अंदर में एक भी चेंज नहीं हुआ, पिन लेंथ ये सब जो है पहले जैसा ही रहेगा। और फिर पावर मेन्यू हालांकि ये भी सेम ही है, अगर जेस्चर की बात करें तो ये भी पूरी तरीके से सेम है। इसके अंदर भी कहीं पे भी एक भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। लॉकस्क्रीन के अंदर लॉकस्क्रीन स्क्रीनशॉट में जाओगे तो लॉकस्क्रीन क्लॉक फॉन्ट जो है ये आपको पहले जो है इसका कॉल डेकोरेशन जो था वहाँ पर मिलता था क्लॉक फॉर्मेट भी, बट यहाँ पर लार्ज क्लॉक साइज जो है क्लॉक का साइज़ का ये न्यू है यहाँ पर ऐड हुआ है। बाकी दो ऑप्शन ऊपर के यहाँ सिर्फ मूव हुए हैं दूसरी जगह से, और कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। एम्बिएंट डेकोर भी पूरी तरीके से सेम है, इसके अंदर भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पर सिस्टम के अंदर एनिमेशन सेम रहेगा, नोटिफिकेशन आपका पूरा सेम रहने वाला है। और कोल्ड डेकोरेशन यहाँ पे चेंजेस हुए, तो डार्क थीम के अंदर जाओगे तो आपको प्योर ब्लैक थीम का एक तरीके से ऑन करने का दिया गया, पहले जो है कलर के ऑप्शन हमें मिला करते थे जो कि अब हटा करके सिंपल ब्लैक थीम का ऑप्शन दे दिया गया। पहले के स्क्रीनशॉट साइड में दे दूंगा तो देख लेना, पहले कलर के ऑप्शन थे। एडवांस मॉनिटर सेम है बट सेटिंग डिजाइन पूरी तरीके से न्यू है, इसमें आप हाइड यूजर कार्ड प्रेफरेंस कर सकते हो, साथ साथ अपना सर्च बार जो है स्टाइल चेंज कर पाओगे मेन जो सेटिंग्स पे होता है। और यहाँ पे अवार्ड फोन का स्टाइल भी चेंज कर पाओगे, एक तो बिग बैनर वाला एक नॉर्मल का बैनर का है। तो यहाँ पे जैसे मैं इनेबल करता हूँ जैसे कि बिग बैनर, तो बिग बैनर देखने को मिलेगा और इस पर अवार्ड फोन आपका यहाँ पे मूव हो चुका है जो कि पहले बिल्कुल नीचे मिलता था। तो ये मेन सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे इस तरीके से जो है अवार्ड फोन का स्टाइल आप चेंज कर पाओगे। साथ ही साथ इसी के अंदर अभी हमें ऑप्शन और भी मिलते हैं, जैसे कि नीचे में आपको देखने को मिलेगा सेटिंग स्टाइल का, तो ये मेन जो हमारी सेटिंग्स है उसका स्टाइल ही आप चेंज कर पाओगे। गूगल का जैसे कि मटेरियल व्यू वाला मैं यहाँ पे करता हूँ, तो यहाँ पे आप सेटिंग दिखा दो तब कुछ इस तरीके की सेटिंग्स देखने को मिल रही। तो बेसिकली आपका जो मेन सेटिंग्स है उसको आप थोड़ा यहाँ पे कस्टमाइज कर पाओगे। तो इसके लिए यहाँ पे जो सेटिंग डिजाइन का पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपको न्यू मिल जाता था, तभी इनको सभी को मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। तो आपको चेंज करना होगा तो यहाँ पे चेंज कर लेना, ये पूरी तरीके से यहाँ पे जो है न्यू ऐड हुआ है सेटिंग्स डिजाइन, अब देखोगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ से आप चेंज कर पाओगे मेन सेटिंग्स को। आप नीचे अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो वाईफाई आइकन्स है ये आपका वही सेम रहेगा, सभी आइकन्स में कहीं पे कोई चेंज नहीं है, ये पूरा सेम है। यहीं पे जो है क्लॉक फॉन्ट था जो कि अभी वहाँ लॉकस्क्रीन के अंदर मूव हो गया है। बाकी वॉल्यूम पैनल स्टाइल पूरी तरीके से न्यू है, डिफॉल्ट वॉल्यूम पैनल आपको दिखा दूँ कुछ इस तरीके का है। और पिछले बिल्ड में भी आपको बताया था इसका सिस्टम UI जो है स्टार्टिंग में काफ़ी लैग कर रहा था, और अभी भी इसके अंदर फिलहाल यहाँ पे कम यानी कि अभी भी काफ़ी लैग कर रहा है। बट वॉल्यूम स्टाइल देखोगे तो यहाँ पे जो है ये जो है इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, राइज स्टाइल वाला आपको यहाँ पे इस तरीके का मिलेगा। एंड इसी में जो है नीचे और भी मिल जाते हैं, टू टोन वाला कलर का यहाँ पे मिलेगा।
और यहीं पे टू टोन में ही थिन वाला चाहिए तो थिन भी आप यहाँ पे कर पाओगे। तो इस तरीके के जो है वॉल्यूम स्टाइल आपको अलग अलग मिलते हैं। हालांकि इसके अंदर मेरा जो सिस्टम यूआई अभी तक फिक्स नहीं हुआ, बट पिछले वाले जब फर्स्ट रिव्यू किया था बाद में फिक्स हो गया था अपने आप ही, बट इसके अंदर अभी तक फिक्स नहीं हुआ। वहीं मटेरियल मिसलेनियस की बात करें तो गेम स्पेस पूरा सेम है, पैरेलल स्पेस का पिछले अपडेट में प्रॉब्लम था, जैसे कि अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको पता होगा कि रीसेंट पे जैसे ही हम जाते थे ये जो है क्रैश कर जाता था, प्रॉब्लम कर रहा था, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, रीसेंट पे चल के दिखा दूंगा। तो अभी तो फिलहाल ये बिल्कुल काम कर रहा है यहाँ पे, ये पहले भी काम करता था बट मेन दिक्कत था रीसेंट पे आने पे। रीसेंट पे आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ये चीज़ भी आपका यहाँ पे फिक्स हुआ है, अब बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा था। अब आपको यहाँ पे दिक्कत देखने को इसके अंदर नहीं मिलती। हालांकि अभी भी जो है इसका FPS इन्फो जो है ये अनलॉक हायर FPS इन गेम का जो ऑप्शन अभी भी काम नहीं करता और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा और कुछ चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। लास्ट में अबाउट करेगा इसका। बाकी डिस्प्ले के अंदर जाते हो तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पूरा हमारा सेम है, एडवांस सेटिंग्स पे अभी भी क्लिक नहीं होता है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है टाइम आउट जो है स्क्रीन का 2 मिनट का रहता है, तो अपने हिसाब से सेट कर लेना। और ऑटो रोटेशन के अंदर यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ, फेस डिटेक्शन दिया गया है जिससे आपका एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाता है और थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेस भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पुराना स्क्रीन शॉट मैं आपको दे दूँगा और नीचे फिर कहीं पे कोई चेंज हुआ नहीं है। वॉलपेपर स्टाइल में भी वैसे चेंज हुआ है, हालांकि जो वॉलपेपर आता है स्क्रीन बिल्ड वो आपको दिखाया, बट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। एंड शॉर्टकट का यहाँ पे लॉक स्क्रीन का भी इस तरीके से दे दिया गया, पहले ये था ही नहीं यहाँ पे, तो इस तरीके से आप यहाँ से चेंज कर पाओगे, तो लेटेस्ट वाला है। और थीम आइकन का पहले टॉगल था ऑन ऑफ करने का, डायरेक्ट अब कस्टम वाला दिया गया। और इसके अंदर कॉल्ट लॉन्चर का ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आता है, इसको सेलेक्ट करोगे तो अप्लाई हो जाएगा, अलग से कोई एपीके यूज़ करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पे आइकन का, फॉन्ट का और आइकन सेप का जो दिया गया है ये भी तीनों आपको यहाँ पे न्यू ही देखने को मिलते थे। यहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं वॉलपेपर स्टाइल में भी। और ऐप्स के अंदर जाते हो तो यहाँ पे लॉन्चर में अपडेट हुआ, लॉन्चर अपडेट हुआ। लॉन्चर में अंदर क्या है कि यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर जाओगे तो हॉटसीट बैकग्राउंड का ऑपेसिटी अब न्यू मिलेगा। क्विक स्पेस का जो पूरा पूरा सेक्शन है न्यू है, एड ग्लेंस से रिलेटेड ये पूरा है। एंड सर्च बार में म्यूजिक सर्च का है, बाकी ऐप ड्रॉअर पूरा सेम है। रीसेंट के अंदर में यहाँ पे जो है किल ऐप, पिन ऐप, ये दो ऑप्शन यहाँ पे न्यू मिल जाते हैं। साथ साथ सेक फोन टू क्लियर ओल्ड टास्क, जिससे आपके अपने फ़ोन को सेक करोगे तो पूरा टास्क रीसेंट जो है क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ रीसेंट का स्टाइल भी चेंज हुआ है, अब आइकन स्टाइल में मिलता है पूरा। पहले साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो पिछली बार किस तरीके से देखने को मिलता था, तो ये भी यहाँ पे चेंज थोड़ा हुआ है। और मिसलेनियस में भी चेंज हुआ है, अब तो टास्क बार भी ऐड कर दिया गया, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं पूछते भी हैं, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। बाकी इनेबल हैप्टिक फीडबैक ऑन रीसेंट स्क्रॉल ऐड हुआ है, सजेशन ऐड हुआ है, एक्सेंट टोस्ट हुआ है, रिस्टार्ट का ऑप्शन ऐड हुआ है, तो ये कुछ ऑप्शंस भी यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो काफ़ी कुछ ऐड हुआ है, लॉन्चर के अंदर भी चेंजेस यानी कि हमें मिल जाते हैं। नोटिफिकेशन सेम रहेगा। बैटरी के अंदर यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ, इसका जो ग्राफ बाहर ये मिलता है पहले ब्लैक कलर में था, अब यहाँ पे ग्रीन बिल्कुल इस तरीके का मिलने वाला है, तो एक चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं है। बाकी अगर बैटरी बैकअप की बात करते हैं, 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद हमें 88% मिला है, पिछले में 89 था, यानी कि ज़्यादा कुछ खास बैटरी में आपके फर्क नहीं पड़ा है, पहले टाइप के पिछले अपडेट जैसे ही बैटरी बैकअप मिल जाएगी। और स्टोरेज में भी अब इसी तरीके से ग्राफ देखने को मिलता है। और साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर लिंक रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम न्यू है, बाकी आपका नाउ प्लेइंग या फिर मीडिया पूरा सेम है, वाइब्रेशन एंड हैप्टिक सेम है। और यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शन नीचे साउंड के मिलते सब सेम रहेंगे। और सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे मोर सिक्योरिटी में सेम ही और सिर्फ इनक्रिप्टेड या था, मैं डिक्रिप्ट करके यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सेटिंग में कहीं कोई चेंज नहीं है। हमारा जो फिंगरप्रिंट है अच्छे से काम करता है, एनिमेशन ऑफ करके रखा हूँ मैं, बाकी आप अपनी मर्जी आपके अपने हिसाब से रख लेना। बाकी यहाँ पे फेस अनलॉक भी अच्छे से काम करते हैं, इनको लेके कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई चेंज हुआ यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर खासकर। और बाहर फिर यहाँ पे हम आते हैं तो नीचे जो है सिस्टम मिल जाता है, जिसमें लाइव ट्रांसलेट हालांकि न्यू ऐड हुआ, इस पर लैंग्वेज आपको ऐड करना होगा अपना। बाकी सिस्टम अपडेटर मिल जाएगा, ये भी सेम है। एंड यहाँ पे नीचे स्वीट पार्ट से ये भी पूरी तरीके से सेम है, मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट मिल जाता है पर ऐप के लिए, हाई रिफ्रेश रेट जो कि यहाँ पे मिल जाएगा चेंज करने के लिए। डी स्ट्रीमिंग, थर्मल प्रोफाइल, साउंड इनहेंसर, ये सब आपका सेम है। बाकी हाइड नोट्स डेवलपर ऑप्शन भी मिल जाएगा। एनिमेशन को लेकर के जैसे कि बताया मैं आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा यूआई को लेकर के ज़रूर प्रॉब्लम है, ब्राइटनेस स्लाइडर भी करोगे तब भी काफ़ी लैग करता है स्क्रॉलिंग के टाइम पे भी। और यहाँ ब्राइटनेस जो वॉल्यूम है भी आप देख सकते हो किस तरीके से कर रहा है यहाँ पे लैग, तो ये प्रॉब्लम पिछले में भी थी, बट पिछले में जो है अपने आप फिक्स हो गया था, काफ़ी हद तक फिक्स हो गया था, बट इस बार अभी तक फिक्स नहीं हुआ। 1-2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं हुआ। खासकर स्क्रॉल अगर स्लो करते हो तो आप फास्ट में करोगे तो आप देख सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्लो में जैसे स्क्रॉल करेंगे आप देख सकते हो। हालांकि कर्नल अगर आप चेंज करते हो तो मे बी इससे जो है फिक्स हो जाता है, बट यहाँ पे न्यू अगर टाइल्स की बात करें तो प्रेफर नेटवर्क का टाइल यहाँ पे आपको न्यू देखने को मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग जो है वो सेम ही रहने वाली है। और यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ जो पहले लैग मिलता था उसी तरीके से अभी भी हल्का सा लैग बढ़ता है नॉर्मल के मुकाबले। नॉर्मल आपका यूआई जो है वो तो ठीक रहता, बस यहाँ पे QS पैनल के एरिया में ज़्यादातर लैग होता आपका। बाकी यहाँ पे ऐप ओपनिंग ठीक है, ऐप ओपनिंग को लेकर के ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐप ओपनिंग आपका अच्छे तरीके से रहने वाला है पूरा आपका। और रीसेंट जैसे कि जो चेंज हुआ ऑलरेडी आपको बताया ही हूँ।
एंड यहाँ पे प्ले स्टोर आपका सर्टिफाइड ही रहेगा, प्ले स्टोर को लेकर के भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी नेट पास आता है, बैंकिंग आप आराम से यूज़ कर पाओगे। बट जैसे कि बताया कैमरा यहाँ पे चेंज हुआ है, पहले MIUI नॉर्मल था बट अभी लाइका वाला ऐड हुआ, इसके अंदर पैनोरामा मोड, स्लो मोशन ये सब आप यूज़ कर पाओगे और बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं, इनको लेके कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे जो है वाटर मार्क भी इसका पैनोरामा लाइका वाला या फिर नॉर्मल वाला यूज़ कर पाओगे। वीडियो के अंदर बस एक प्रॉब्लम रहने वाली 4K 60fps, वो आपका काम नहीं करेगा, रिकॉर्ड तो हो जाता है बट सेव कहीं नहीं होने वाला, दिखने नहीं वाला, तो 4K 30fps तक ही रिकॉर्ड आप कर पाओगे। एंड GCam ये अच्छे से काम करे, GCam को लेके उसे को आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, आराम से यूज़ कर पाओगे, तो GCam वर्किंग रहेगा। एंड इसके अंदर आपका डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है, वाइड बैंड L1 का सपोर्ट ऐसे रहेगा, ही FM काम कर रहा है। और गैलरी यहाँ पे पहले नॉर्मल मिला करती थी, नॉर्मल वाली उसको रिमूव करके अब GCam बोल रहा हूँ, गूगल फोटो जो है ऐड कर दिया गया है और बाय डिफॉल्ट ही, और अनलिमिटेड स्टोर इसके अंदर आपको मिलता ही है पहले की तरह ही, तो और कुछ खास चेंज नहीं, बाकी ओके गूगल आपका काम करेगा, इसको लेकर के भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा ऐप ड्रॉअर पूरा यहाँ पे। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा कॉलिंग के बारे में, तो पहले यहाँ पे ASP डायलर था, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग उसके अंदर मिलता था, अलर्ट भी वो नहीं करता था, बट यहाँ पे गूगल डायलर अब इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे आपका कैरियर वीडियो कॉल का तो बग रहेगा ही, बाकी यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर वो भी वर्किंग रहेगा, उसको लेके कोई दिक्कत नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग लेकिन अब जो है अलर्ट कर देगा, पहले अलर्ट नहीं करता था ASP डायलर था तो। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों के अंदर काम करता, उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। एंड टू डे स्कोर 328,000 है, पिछले में 367,000 देखने को मिला था। और CPU थ्रो रेट इस बार 87% मिला, और इसका जो जिप स्कोर इस बार का मैक्स पे 151,000 है, एवरेज स्कोर 134,000 है। पिछला CPU थ्रो रेट 91% था और पिछला जो जिप स्कोर था मैक्स पे दिखाई नहीं रहा था, शो ही नहीं कर रहा था, बट अगर एवरेज स्कोर की बात करें तो 148,000 था पिछला। एंड गीगबेंच स्कोर इस बार में सिंगल में 1668 मिला और मल्टी के अंदर 1670, पिछला सिंगल स्कोर 732 था और पिछला जो मल्टी स्कोर था 1743 जो है देखने को मिला था। और यहाँ पे अब जैसे कि अब जो है COD खेलने वाला हूँ, जब तक अभी BGMI प्ले स्टोर पे तो शो करने लगा बट अभी भी जो है काम नहीं कर रहा, सर्वर ऑफलाइन ही बताता है, इसलिए जो है धीरे धीरे वो 3 मंथ तक, जैसे कि कुछ लोग का आ रहा है लीक बोल रहे हैं, तो 3 मंथ तक में आ जाएगा, जब तक जो है COD ही गेम प्ले अभी बीच में अब दिखाने वाला हूँ। तो जो है अभी फिलहाल यहाँ पे गेम स्पेस की अगर बात करें तो सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, गेम स्पेस पहले जैसे रहेगा। अगर इसकी अगर हम ग्राफिक की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक के अंदर जो है हमारा लो पे मैक्स है, बाकी यहाँ पे मीडियम जो है वो भी मैक्स ही आ रहा है, और यहाँ पे हाई भी मैक्स है, बट जो वेरी हाई देखने को मिल रहा है वो वेरी हाई तक ही आ रहा है, मैक्स पे नहीं रहता वो। तो हम यहाँ पे जो है लो और मैक्स पे ही खेलेंगे। बाकी अगर गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग वैसे पिछले में भी आपको BGMI जब खेल के बताया था तब भी बताया था कि अच्छी गेमिंग रहती है, गेमिंग हालांकि ख़राब इसके अंदर नहीं रहता है, बस थोड़ा सा सिस्टम UI का दिक्कत है इसके अंदर में, जो कि पिछले में ऑटोमेटिक फिक्स हो गया था, बट अगर कर्नल भी यहाँ पे चेंज करते हो तो भी आपका ये ज़्यादातर चांस है कि फिक्स हो जाएगा इसके अंदर में। बाकी जगह एनिमेशन लैग नहीं है, हालांकि स्क्रोलिंग पे और खासकर आपका QS पैनल वाला जो एरिया है, ब्राइटनेस स्लाइडर है या फिर वॉल्यूम पैनल है स्लाइड करते हो, इन सब जगह पे आपको यो लैग जो है काफ़ी ख़तरनाक सा देखने को मिलता है। तो अब या फिर डेली लाइफ यूज़ करोगे धीरे धीरे जो है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो है मेरा ऑटोमेटिक फिक्स हुआ था, इस बार हालांकि 1-2 दिन से यूज़ कर रहा था तो ऐसा कुछ यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ, अभी भी है तो ये चीज़ है। बट गेमिंग आपको अच्छी मिलती है, गेमिंग के अंदर ऐसा कुछ आपको दिक्कत हालांकि नहीं रहेगा, गेमिंग पहले भी अच्छी थी और अभी भी आपको उसी टाइप से ही देखने को मिलते थे, गेमिंग के अंदर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।